व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक बताने आया हूँ। बहुत से बच्चे परेशान हैं, भैया मेरे ना आधे सब्जेक्ट की इंटीमेशन स्लिप आ गई, सिटी इंटीमेशन। भैया मेरे किसी सब्जेक्ट की नहीं आई, मेरे तो 15 का एग्जाम है, मेरे तो डेटशीट आ गई थी, तो मेरा कैसे नहीं आया? तो आप लोग सुनो, पहली बात तो घबराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दूसरी चीज, अभी जो सिर्फ 4 दिन के आए वो सिर्फ उनके लिए आया जिनका पेन पेपर मोड में होना है, जिनका हाथ से जाके ओएमआर शीट चोना है। अभी कंप्यूटर बेस वालों का नहीं हुआ, सीबीटी का नहीं आया। दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं है कि मान लो उन्होंने बोला कि 15 को जनरल टेस्ट का पेपर है, तो जितने भी 20 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, 15 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, सबका जनरल टेस्ट उसी दिन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बाद में जनरल टेस्ट का पेपर फिर से होगा, बाद में इंग्लिश फिर से होगा, साइंस फिर से होगा, तो जब फिर से होगा आपका उसमें आ जाएगा। 4 दिन में सीयूटी खत्म नहीं है ना, सीयूटी 20-25 दिन चलता है, 15-20 दिन चलता है। और ये मत सोचो कि अभी हमारा निकल गया नहीं आया मतलब हमारा फॉर्म गलत हो गया होगा, हमें रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। काम डाउन हो जाओ, जैसे ही सीबीटी मोड वालों का इंटीमेशन आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, निश्चिंत होकर आप भरोसा कर सकते हो। पहले भी 2 बार सीबीटी वालों से पूरा पाला पड़ रहा है और मुझे पता है इसी तरह से आना, और गलत भी नहीं है इसमें। एक साथ सबका क्यों देंगे यार, 4 दिन का दे दिया, अच्छे से एग्जाम्स हो जाए, प्रॉपर सबका हो जाए, फिर आपका और 4 दिन का आ जाएगा, धीरे धीरे करके आता चला जाएगा। अगली इंटीमेशन और एडमिट कार्ड कब आना मैं आपको अपडेट कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। और सीधी बात यह है कि डेटशीट का लेना देना आपके इंटीमेशन स्लिप से कुछ नहीं है। डेटशीट सिर्फ ये बता रही थी कि उस दिन कौन कौन से एग्जाम होने हैं, सबका उस दिन होगा डेटशीट में ये कहीं नहीं लिखा था, है ना। और अभी कंप्यूटर बेस का तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ पेन पेपर मोड का हुआ है, तो कंप्यूटर बेस वालों आपका भी होना है। बहुत से पेपर अभी बचे हैं बच्चों, आपके आधे भी बाद में होंगे, और कुछ बच्चों के नहीं आए उनके बाद में होंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मन लगा के, क्योंकि आपको और अच्छा मौका मिल गया ना, और पढ़िए, एकदम सारा सिलेबस कर लीजिए, एक बार जाकर मेरे प्ले सेशन को चेक करना, और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।